बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर मैं टीसी नागे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक फर्स्ट चल रहा है नाउन और उसका पार्ट फोर्थ पढ़ने वाले हैं आज हम। और पार्ट फोर्थ में आज हम बात करेंगे जेंडर ऑफ नाउन की, जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन। दोस्तों, जेंडर ऑफ नाउन क्या होता है? जेंडर ऑफ नाउन का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग, वही चीज जो इंग्लिश में है वो जेंडर ऑफ नाउन कहलाती है। जैसे कि जेंडर की बात करें तो हमारा फर्स्ट जेंडर है मस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट जेंडर कौन सा है? मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। और इसके अलावा जो सेकंड है वो है फेमिनाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर, उसके बाद नेक्स्ट है फेमिनाइन, और तीसरा जेंडर दोस्तों है कॉमन, कॉमन जेंडर। और जो फोर्थ जेंडर है हमारा वो है न्यूट्र जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूट्र जेंडर। मस्कुलाइन, जिसको हम हिंदी में पुलिंग भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है पुलिंग। और जो फेमिनाइन होता है इसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। फेमिनाइन को हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। और जो कॉमन जेंडर होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है उभयलिंग, इसको कहा जाता है उभयलिंग। और जो न्यूट्र जेंडर होता है इसको हिंदी में कहा जाता है नपुंसक लिंग, ये होता है नपुंसक लिंग। तो उभयलिंग, स्त्रीलिंग या पुलिंग या नपुंसक लिंग, यही इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कहलाते हैं। तो पहला जेंडर है मस्कुलाइन जेंडर, इसमें सभी पुरुष आते हैं। फेमिनाइन, इसमें सभी महिलाएं। कॉमन, दोनों। और न्यूट्र में दोस्तों निर्जीव चीजें आती हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर अब बात करते हैं न्यूट्र मैस्कुलाइन जेंडर की, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसमें सभी पुरुष आते हैं, तो फादर जो है मस्कुलाइन जेंडर हैं। इसके अलावा अंकल मस्कुलाइन जेंडर हैं। इसके अलावा ब्रदर मस्कुलाइन जेंडर है। इसके अलावा हस्बैंड जो है वो भी मस्कुलाइन जेंडर है। हस्बैंड या जो सन है वो भी मस्कुलाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर क्या हुआ? फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो मदर फेमिनाइन जेंडर है, और इसी तरह आंट फेमिनाइन जेंडर है, इसी तरह सिस्टर फेमिनाइन जेंडर है, इसी तरह जो वाइफ है वो भी फेमिनाइन जेंडर है, और डॉटर, डॉटर भी फेमिनाइन जेंडर है। कॉमन जेंडर की बात करें तो इसमें दोनों आते हैं, तो फादर एंड मदर दोनों को हम पेरेंट्स कह सकते हैं, कॉमन जेंडर है। लेडी या जेंट्स पढ़ाने का काम करता है तो वो टीचर ही कहलाएगा, चाहे मैडम हो या सर, उसको टीचर ही कहा जाएगा। लड़की हो या लड़का, पढ़ने वाला स्टूडेंट ही कहलाएगा। इसी तरह क्लर्क, इसी तरह डॉक्टर, ये एक ही कैटेगरी के लोगों को एक नाम देना कॉमन जेंडर कहलाता है दोस्तों। उसके बाद न्यूट्र जेंडर की बात करें तो इसमें सभी निर्जीव चीजें आती हैं, जैसे कि टेबल, जैसे कि बुक, जैसे कि पेन, जैसे कि पेंसिल, जैसे कि चेयर, सभी निर्जीव चीजें यहाँ आती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर दो सजीव चीजों को भी न्यूट्र जेंडर के अंदर रखा गया है। कौन कौन सी दो सजीव चीजें? एक तो बेबी को और एक एंट को। एंट माने होती है चींटी और बेबी माने होता है बच्चा। ये दो सजीव हैं, इनको भी न्यूट्र जेंडर के तहत रखा जाता है। तो जो न्यूट्र मस्कुलाइन जेंडर होता है उसके लिए हम ही, हिज, हिम ये शब्द यूज करते हैं, और जो फेमिनाइन होता है उसके लिए हम शी, हर शब्द का यूज करते हैं, और जो न्यूट्र जेंडर होते हैं उनके लिए हम इट या इट्स का यूज करते हैं। जो कॉमन जेंडर होते हैं इनके शब्द सेंटेंस के अनुसार इनको यूज करते हैं, जैसे टीचर है तो टीचर के लिए शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट जो होता है उसके लिए
क्लर्क के लिए, डॉक्टर के लिए, लेडी एजेंट्स, जब अपने सेंटेंस पढ़ेंगे तब अपने को पता लगता है क्या है, है ना। और इनके लिए दे, देयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात अगर बेबी और एंट की है जिसको हम न्यूट्र जेंडर मानते हैं, तो दोस्तों यहां पर देखिए इनके लिए जो जेंडर है वो न्यूट्र जेंडर है, तो इनको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, इनके लिए शी ही या इट्स में से सेंटेंस कैसे पूछा जाता है, इसकी बात अपने करते हैं। जैसे अपने कहते हैं दिस बेबी इज क्राइंग, दिस बेबी इज क्राइंग फॉर हिज मदर, दिस बेबी इज क्राइंग फॉर हिज मदर, मान लो ये सेंटेंस है और ये इस सेंटेंस का है ए पार्ट, ये है इस सेंटेंस का बी पार्ट, ये है इस सेंटेंस का सी पार्ट और ये है डी। फॉन्ट थोड़ा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा अपने पतला करते हैं, है ना, ये ठीक है। तो देखिए बेबी जो है ये न्यूट्र जेंडर है, तो फिर इसके लिए हिज का यूज नहीं करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, इट्स का। तो ये सेंटेंस बनेगा दिस बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर, ना कि हिज मदर। ओके, अगर फादर की बात होगी तो फिर हिज होगा, मदर की बात होगी तो फिर हर होगा, और टेबल या निर्जीव चीजें जितनी भी होंगी उसके लिए न्यूट्र जेंडर का प्रयोग होता है। दोस्तों ये तो बात हुई कि मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन, कॉमन, हमें पता चला कि जो मेल होते हैं वो सब मस्कुलाइन है, जो फीमेल होते हैं वो सब फेमिनाइन है, दोनों को हम कॉमन कैटेगरी में रखते हैं, और जो निर्जीव चीजें हैं उनको हम न्यूट्र जेंडर में रखते हैं। फिर भी दोस्तों कुछ चीजें और हमें पता होनी चाहिए कि मस्कुलाइन जेंडर जो होता है मस्कुलाइन जेंडर जो होता है और कैसे हम पहचाने कि ये मस्कुलाइन जेंडर होता है। दोस्तों अगर कोई चीज स्ट्रेंथ का प्रतीक हो, मतलब ताकत का प्रतीक हो, बल का प्रतीक हो, या फिर कोई ताकत, कोई शब्द ऐसा जो है वो कठोरता का प्रतीक है, रिगिडनेस का प्रतीक है, तो हम उसको मस्कुलाइन मानेंगे। और कोई शब्द जो सुंदरता का प्रतीक है ना, और जो दया का प्रतीक है, काइंडनेस का, या क्षमा का प्रतीक है, फॉरगिवनेस का, तो ऐसे शब्द को हम फेमिनाइन मानेंगे, जिस शब्द से हमें पता चलता है सुंदरता का, दया का या क्षमा का, और जिस शब्द से हमें पता चलता है ताकत का या कठोरता का, जो ताकत और कठोरता का शब्द होगा वो तो मस्कुलाइन जेंडर होगा, जो सुंदरता का, दया का, क्षमा का होगा वो फेमिनाइन जेंडर होगा। तो अपने एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास ये पूछा गया कि डेथ कौन सा जेंडर है, अपने से ये पूछा गया कि सन कौन सा जेंडर है, अपने से ये पूछा गया कि मून कौन सा जेंडर है, अपने से ये पूछा गया कि अर्थ कौन सा जेंडर है, अपने से ये पूछा जाए कि लिबर्टी कौन सा जेंडर है, लिबर्टी दोस्तों होता है स्वतंत्रता, और अपने से ये पूछा जाए कि पीस जिसको बोलते हैं शांति, ये कौन सा जेंडर है। तो दोस्तों डेथ, जैसा कि अपने को पता है डेथ जो है वो कठोरता का प्रतीक है, इसलिए डेथ जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है। ओके, और सन, सन भी कठोरता का, ताकत का प्रतीक है, तो ये भी मस्कुलाइन जेंडर है। इसी तरह मून, मून जो है कूलनेस का प्रतीक है, जो कूल है वो फेमिनाइन है, तो हम इसको, चंद्रमा को जो है वो फेमिनाइन मानेंगे। अर्थ, अर्थ को भी फेमिनाइन मानेंगे हम, और लिबर्टी स्वतंत्रता होती है इसको भी फेमिनाइन मानेंगे, और इसके अलावा पीस शांति होती है, पीस, तो इसको भी फेमिनाइन मानेंगे। तो शांति का, दया का, सुंदरता का जो प्रतीक होता है उसको हम फेमिनाइन मानते हैं, और जो ताकत और कठोरता का प्रतीक होता है उसको हम मस्कुलाइन मानते हैं। इसी तरह मान लो दोस्तों ये पूछा जाए कि स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, या फिर ये पूछा जाए थंडर, थंडर या स्टॉर्म, ये कौन सा जेंडर है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये ताकत के प्रतीक हैं तूफान, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको मस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा, और इसको भी मस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा, ये दोनों मस्कुलाइन जेंडर हैं। तो यहां पर हमने ये पढ़ा कि हम पहचान कैसे करें कि मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। तो सभी पुरुष, सभी मेल जो है वो मस्कुलाइन जेंडर हैं, और वो नाउन जो ताकत और कठोरता का प्रतीक हैं
जो रिगिडनेस या स्ट्रेंथ का प्रतीक होते हैं, फोर्स का प्रतीक होते हैं, वो मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। जो फीमेल से रिलेटेड हैं वो सब फेमिनाइन हैं, या फिर दया, सुंदरता, क्षमा, शांति, स्वतंत्रता, ये शब्द जो आएंगे वो फेमिनाइन के लिए होंगे। कॉमन में दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं, और न्यूट्रल जेंडर में सभी निर्जीव चीज़ें हैं, इनएनिमेट हैं, लेकिन फिर भी दो सजीवों को, दो एनिमेट को, बेबी और एंट को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें मान लो मस्कुलाइन वर्ड दे रखा हो, हम उसका फेमिनाइन कैसे बनाएं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जेंडर, इसको फॉर्मेशन ऑफ जेंडर कहा जाता है। तो अपने बात करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ जेंडर की। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेंडर क्या होता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ जेंडर, फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। फॉर्मेशन ऑफ जेंडर की दोस्तों हम बात करेंगे कि हम मस्कुलाइन वर्ड से फेमिनाइन बनाएं कैसे। तो हमारा फर्स्ट रूल ये है, हमारा फर्स्ट रूल ये है कि लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम, लास्ट वोवल को हटाकर, लास्ट वोवल को हटाकर उसके साथ ई डबल एस जोड़ने पर, मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनता है, लास्ट वोवल को हटाकर। दोस्तों वोवल आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक वर्ड है एम यू आर डी ई आर ई आर, दोस्तों मर्डरर, मर्डरर जिसको हिंदी में अपने बोलते हैं हत्यारा, है ना। अब इसका लास्ट का जो वोवल है, लास्ट का सॉरी, लास्ट का वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट्स दोनों हटाकर, वोवल को भी हटाना है लास्ट के और लास्ट के कॉन्सोनेंट को भी हटाना है, इन दोनों को हटाकर ई डबल एस जोड़ेंगे तो मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनेगा। अब इस मर्डर एम यू आर डी ई आर, लास्ट का वोवल कौन सा है ई और कॉन्सोनेंट कौन सा है आर, इन दोनों को हटा देते हैं अपने, लास्ट के दोनों वोवल और कॉन्सोनेंट को हटाकर क्या जोड़ना है ई डबल एस। तो हम इस स्पेलिंग को देखें, लास्ट के वोवल और कॉन्सोनेंट को हटाने पर क्या बचा, एम यू आर डी ई आर ये बचा, और इसमें ई डबल एस जोड़ देते हैं मड्रेस। तो ये मर्डरर हत्यारा होता है, और जो मड्रेस होती है वो हत्यारिन होती है दोस्तों। तो ये मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन गया, इसको फॉर्मेशन ऑफ जेंडर कहते हैं कि हम खुद भी किसी मस्कुलाइन वर्ड से किसी रूल को अप्लाई करके फेमिनाइन बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा वर्ड है जैसे जी ओ वी ई आर एन ओ आर, गवर्नर। अब इसका लास्ट का वोवल ओ है, कॉन्सोनेंट ये है, इन दोनों को हटा देते हैं और हम इससे फेमिनाइन बनाएंगे तो क्या बनेगा, जी ओ वी ई आर एन ये बचा, क्योंकि ये दोनों तो हट गए, ये दोनों हट गए। अब हम ई डबल एस जोड़ देंगे इसके अंदर तो गवर्नेस, संरक्षक, संरक्षिका। इस तरह से हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। पर दोस्तों यहां दिक्कत ये है कि इस तरह का रूल जो वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटाकर ई डबल एस जोड़ना, ये सभी पर अप्लाई नहीं होगा, सभी मस्कुलाइन पर अप्लाई नहीं होगा। ये तो एक अपनी तरफ से मतलब तरीका बनाया हुआ है, बाकी तो अपने को याद ही करना पड़ता है कि कौन सा मस्कुलाइन है, उसका फेमिनाइन क्या है, रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है। फिर भी कुछ एक तरीके हैं जिनको अप्लाई करके हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, यहां पहले तरीके में तो हमने वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटाया ना, अब दूसरा तरीका है सिर्फ वोवल को हटाना है, लास्ट वोवल को हटाकर, लास्ट वोवल को हटाकर उसके साथ ई डबल एस जोड़ने पर क्या बन जाएगा, मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाएगा, मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है डायरेक्टर, डायरेक्टर निर्देशक कहते हैं जिसको, जैसे अपने पास वर्ड है एक्टर, जैसे अपने पास वर्ड है इंस्पेक्टर, है ना, जैसे अपने पास वर्ड है टाइगर, और जैसे अपने पास वर्ड है वेटर, ये शब्द हैं। अब ये कह रहा है कि लास्ट वोवल को हटाना है और क्या जोड़ना है, ई डबल एस, तो लास्ट वोवल क्या है, ओ, इसको हटा दिया तो स्पेलिंग क्या बचेगी, डी आई आर ई सी टी आर, ये बच गई, वो ओ तो हटा दिया, ई डबल एस जोड़ दो, डायरेक्टरेस। इसी तरह एक्टर में ए सी टी आर, ई डबल एस जोड़ दिया, एक्ट्रेस। इसी तरह इंस्पेक्टर का क्या बन गया, आई एन एस पी सी टी आर, ई डबल एस, इंस्पेक्ट्रेस। टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस, और वेटर का क्या हो जाएगा, वेट्रेस। इस तरह से हम लास्ट वोवल को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से भी मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं, और लास्ट वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटाकर भी मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। चलिए आगे तीसरे और चौथे पांचवें रूल की भी बात करेंगे हम, अगले रूल की बात करते हैं। अब हमारा तीसरा रूल है, हमारा तीसरा रूल क्या है, हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि कंपाउंड नाउन होते हैं कभी कभी, कंपाउंड नाउन का मतलब दो शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो फिर ऐसी नाउन में हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो दो शब्द हैं लैंड और लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, ये दो शब्द हैं, ये पहला शब्द, ये दो शब्द, लैंड लॉर्ड जमींदार को कहा जाता है दोस्तों, और मान लो ये मस्कुलाइन है और हमें बनाना है इससे फेमिनाइन, तो अपने दूसरे शब्द में इस शब्द में चेंज करेंगे, तो लैंड को तो लैंड ही रहने देंगे और लॉर्ड को हम कर देंगे लेडी, तो इस दूसरे शब्द में बदलाव करके हमने मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना लिया। इसी तरह मान लो हमारे पास वर्ड होता पीकॉक, क्या वर्ड है, पीकॉक, पी और कॉक, अब हम दूसरे शब्द में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी और फिर हैन, कॉक को हमने क्या कर दिया, हैन, तो मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन गया। इसी तरह हमारे पास मान लो वर्ड है हेड और मास्टर, हेड मास्टर, तो अपने मास्टर शब्द में ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, तो अपने क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, हम दूसरे शब्द में बदलाव करके मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाएंगे। ये तो था तीसरा रूल, और चौथा रूल भी है। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल कहता है जैसे यहां पर आप दूसरे शब्द में बदलाव कर रहे हो, चाहे इन तीनों लॉर्ड, कुक, कॉक और मास्टर, अब आप पहले शब्द में बदलाव करके भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो अपने पास वर्ड है ही गोट, ही गोट क्या होता है, बकरा, ये पहला शब्द है, ये दूसरा, तो अपने पहले शब्द में बदलाव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, शी गोट, शी गोट क्या हो गई, बकरी, आपने पहले शब्द में बदलाव करके मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना दिया। इसी तरह टॉम कैट होता है, टॉम कैट किसको कहा जाता है, बिल्ले को, तो ये क्या हो जाएगा, शी कैट, टॉम कैट का क्या बन गया, शी कैट, टॉम से हमने शी बना लिया, तो ये पहले शब्द में बदलाव करके भी मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाया जाता है। और दोस्तों पांचवा रूल ये कहता है कि पूरा वर्ड चेंज करके, पूरा शब्द बदल कर हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं, पूरा शब्द बदल कर भी मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाया जा सकता है। कैसे, मान लो कि हमारे पास मस्कुलाइन वर्ड है मॉन्क, मॉन्क क्या होता है, मॉन्क होता है साधु, और अपने इससे ये मस्कुलाइन है, इससे अपने फेमिनाइन बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, नन, नन क्या होती है, साध्वी। इसी तरह फॉक्स, फॉक्स क्या होता है, लोमड़, फॉक्स लोमड़ी नहीं होती दोस्तों, मस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन नहीं होती, लोमड़ी क्या होती है, लोमड़ी होती है विक्सन, तो फॉक्स मस्कुलाइन है और विक्सन जो है वो फेमिनाइन है। इसी तरह शीप, शीप आपको आप बोलते हो भेड़, भेड़ नहीं, इसको हम बोलते हैं मेल भेड़, इसको मेंढा कहा जाता है हिंदी में, और इसका जो सिनोनिम होता है ना वो होता है रेम, आर ए एम,
और ये शीप मेल होती है ना कि फीमेल, इसको हम मस्कुलाइन जेंडर मानते हैं। और जो भेड़ होती है वो होती है EWE, जिसका प्रोनंसिएशन होता है यू, ये होती है दोस्तों भेड़, इसको फेमिनाइन कहा जाता है। इसी तरह विजार्ड, विजार्ड क्या होता है, विजार्ड होता है जादूगर, और ये जादूगरनी क्या होगी, विच, विच जादूगरनी होती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा शब्द बदल कर भी हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। ओके, और दोस्तों आपको जो याद करने की एक बात और है वो ये कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स यानी कि जो छोटे जीव होते हैं ना, इनको हम कौन सा जेंडर मानते हैं, इनको हम न्यूटर जेंडर मानते हैं, ये न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए आप, अपने कहते हैं द रेट, RAT रेट लोस्ट हिज टेल वेन ए कैट पॉन्च्ड ऑन इट। और ये कोई एरर का क्वेश्चन है मान लेते हैं, ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी पार्ट और ये इसका डी पार्ट। अब देखो ये रेट जो है ना, इसको लोअर एनिमल माना जाता है, तो लोस्ट हिज, हिज तो मस्कुलाइन के लिए होता है, लोअर एनिमल है तो इसको न्यूट्र जेंडर माना जाएगा, और न्यूट्र जेंडर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स, द रेट लोस्ट इट्स टेल वेन ए कैट पॉन्च्ड ऑन इट। देखो यहां पर भी इट क्या है कि चूहा अपनी पूंछ खो चुका है जब उस पर बिल्ली ने झपटा मारा, तो चूहे की पूंछ जो है वो टूट गई, ये मान लो। तो यहां पर रेट लोअर एनिमल है, इसको न्यूट्र जेंडर मानेंगे और इसके साथ अपने इट्स का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जेंडर ऑफ नाउन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, केस ऑफ नाउन और जेंडर ऑफ नाउन पढ़ लिए हैं। तो अगली क्लास में हम जो है केस ऑफ नाउन के कुछ क्वेश्चन, जेंडर ऑफ नाउन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो नाउन में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें आएगा नंबर ऑफ नाउन। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर बता देता हूँ, आपको फिर बता देता हूँ कि पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी इंग्लिश ग्रामर, पैसेज, क्लोज टेस्ट, वोकैब, ग्रामर सब मैं आपको पढ़ाऊंगा निःशुल्क। इस YouTube चैनल पर चलेगी क्लास, तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचे, आप उस क्लास को देखें। कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का सही उत्तर पहुंचाऊंगा आप तक। नमस्कार दोस्तों।